हर विचार कारण है और हर परिस्थिति परिणाम। यानी जो विचार आप अपने शरीर में बोते हो, देते हो, वैसे ही परिणाम यानी परिस्थिति आपके जीवन में आती है। आइए इसको हम कुदरत के उदाहरण के साथ समझते हैं। ये आपको पीछे में पेड़ दिख रहा है, एक कांटों का पेड़ है। इस जमीन में बीज बोया कांटों का, तो कांटों का वृक्ष आया है, क्योंकि जमीन में जो आप बीज बोओगे वही आएगा। बीज कारण था कांटे का, परिणाम कांटे का वृक्ष आया। अभी इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ में आपको दिख रहा है पीछे में ये वृक्ष दिख रहा है, नारियल का पेड़। यस, नारियल, उसी जमीन में नारियल का बीज बोया गया तो नारियल का पेड़ आपको पीछे में दिख रहा है। जमीन एक ही है, एक ही जगह मैं खड़ा हूं, बट यहाँ पे आपको नारियल का पेड़ मिल रहा है और यहाँ पे पीछे में कांटे का पेड़ मिला है। तो बीज जो बोते हो अपने जीवन में वही परिणाम परिस्थिति हमें मिलती है। अगर आप नकारात्मक विचारों के बीज बोओगे अपने जीवन में, तो आपके जीवन में नकारात्मकता परिस्थिति यानी नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आएगा। और आप अगर सकारात्मक बीज बोते हो, जैसे वो पुरुष दिख रहा है, सकारात्मक विचारों के बीज बोते हो यानी नारियल के पेड़ के बीज यानी सकारात्मक विचारों के बीज बोते हो, तो आपका जीवन सकारात्मक होगा। तो हमने पंक्ति समझी थी, जैसे विचार वैसे परिणाम। आपको सकारात्मक विचारों के बीज अपने मन में अंतर्मन में बोने हैं, तो आपके जीवन में परिस्थिति भी सकारात्मक आएगी, परिणाम भी सकारात्मक मिलेगा।